बड़े ही फुर्सत से क्षण में तराश कर अगर किसी को एक अनोखा उपहार प्रदान किया है तो उसका नाम है तमासेन जलप्रपात, जो झारखंड के चतरा में वनों के बीच जंगलों के बीच छिपा एक अद्भुत नजारा है जो सैलानियों को अपनी ओर बरबर खींचता चला जाता है। वैसे तो झारखंड का चतरा जिला प्राकृतिक सौंदर्य के खजानों से भरा पूरा है, बावजूद चतरा जिला के प्राकृतिक की गोद में समाये तमासेन जलप्रपात रमणीय स्थलों में से एक खास व अलग पहचान रखता है, जिसकी प्राकृतिक छटा यहाँ सतरंगी फिजा बिखेर कर सभी का मन मोह लेती है और पर्यटक यहाँ का वातावरण देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम है यहाँ पे विजिट, जो कि यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। ये नजारा, ये दृष्टि जो है बहुत ही अच्छा, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ का। सो मैं आशा करती हूँ मैं फिर से आऊंगी यहाँ पे, मैं फिर से आना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आनंद बहुत अच्छा लग रहा है। पथरीली छटाओं के विहंगम दृश्यों के बीच व दो सुरमई घाटियों व पहाड़ों के मध्य कलकल छलछल बहता यह जलप्रपात प्राचीन काल से ही देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता चला आ रहा है। वहीं नए साल के आगमन पर इस स्थली पर बड़ी संख्या में सैलानी पिकनिक का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर कान्हाचट्टी प्रखंड के तुलबुल पंचायत में अवस्थित तमासेन जलप्रपात से बहती जलधारा का सौंदर्य काफी मनमोहक है। अगर इसको पिकनिक स्पॉट के रूप में और दर्शनीय स्थल के रूप में अगर जोड़ दिया जाए, विकास का किरण यहाँ पहुँच जाता है, अगर जिला प्रशासन ध्यान दे, झारखंड सरकार अगर ध्यान दे इस पिकनिक स्पॉट को, तो यहाँ पर यहाँ दूर दूर से सैलानी लोग आ सकते हैं यहाँ पर देखने के लिए। और बहुत बढ़िया, मतलब प्रकृति के गोद में बसा हुआ यह तमासेन जलप्रपात बहुत ही बढ़िया विहंगम दृश्य है। हम लोग तो यहाँ मतलब हर सालों भर सैलानी उमड़ सकते हैं अगर अच्छा से इसका विकास के किरण यहाँ पहुँचे। सैकड़ों फीट ऊंचाइयों से गिरती जल धारा ऐसी प्रतीत होती है जैसे दूध की धारा रूपी नदी प्रवाहित हो रही हो। दो घाटियों यानी पहाड़ियों के बीच सफेद पत्थरों का अनोखा रूप सफेद गोमेद की तरह रोशनी बिखेरते हुए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर्यटकों का मानना है कि यहाँ पर आकर काफी सुकून मिलता है तथा मन गदगद हो जाता है। तमासेन वाटरफॉल है जो की काफी एक प्रसिद्ध वाटरफॉल है, पिछले बार भी यहाँ आए थे, इस बार हम लोग अपने टीम के साथ आए हैं और ये काफी मनोरम स्थल है और देखने में यहाँ कई जलप्रपात है जो कि अत्यंत सुंदर है और मन भावन है, जिसको देख करके मन गदगद हो जाता है। इस रमणीक स्थल का धार्मिक महत्व भी है, कहा जाता है कि यह स्थान ऋषि मातंग का आश्रम रहा है, जहाँ दोनों घाटियों के बीच एक गुफा भी है जिसमें तमोगुण की अधिष्ठात्री तामसी देवी का मंदिर भी है। इसकी पूजा अर्चना को लेकर भी लोग दूर दराज से व अन्य प्रदेशों से यहाँ आते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती कथा में चतरा की ऐतिहासिक मां कौलेश्वरी व भद्रकाली के साथ साथ तमासेन का भी वर्णन है। तमासेन का स्थान है, यहाँ पे बहुत दूर दराज के लोग आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। अब झरना का है और पहाड़ी क्षेत्र है ये दोनों साइड से, अब बीच में झरना है और झरना का बखलू खाद से मनाते हैं लोग। हाँ, मेरा जन्म हुआ है तो हम जो पूजा कर रहे हैं सब तैयार हैं और यहाँ पे 365 दिन है चालू रहता है। तमासेन जलप्रपात के विकास के लिए जो मेरे पूरे झारखंड में सबसे सुंदर जगह है, यहाँ पर विकास में अगर 1-2 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्चा हो जाए तो यह सैलानियों का बहुत ही मनोरम दृश्य हो जाएगा। चारों तरफ जंगल और पहाड़ों से घिरे इस सुंदर प्राकृतिक स्थल पर आकर इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है। बहरहाल केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को यहाँ राजगीर की तर्ज पर रोपवे कनेक्टिविटी की दिशा में कारगर पहल करने की आवश्यकता है, ताकि प्रकृति की यह अद्भुत छटा पर्यटन के साथ साथ वैश्विक दृष्टिकोण से भी विकसित हो। न्यूज 11 भारत के लिए चतरा से संजय कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।